किया गया ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी से बचा जा सके। जो दुकानें हैं वो फिलहाल पूरी तरीके से बंद हो गई हैं, एफआईआर भी दर्ज हो गई और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। और ऐसे में नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी नीरज, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, न्यूज 18 इंडिया की टीम आपको हर पल की खबर दे रही है, मौका स्थल पे मौजूद है, जहां कहा जा रहा है कि मस्जिद से इस पूरे जो प्रोटेस्ट था, जो हिंसा थी, उसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि शोभा यात्रा यहीं से गुजर रही थी और दो समूहों के बीच यहीं से पूरे हिंसा की शुरुआत हुई। हमारे साथ जमीयत उलेमा हिंद के दिल्ली के महासचिव मौजूद हैं, राजिक साहब, आप लोग क्यों आए हैं पहले ये बताइए, और किसके निर्देश पर यहाँ आए हैं और क्या जानने आए हैं आप लोग? देखिए, हमारे जो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं मौलाना अरशद मदनी साहब, उन्होंने हमें कहा है कि भाई एक अमन का पैगाम लेकर के आप लोग जाओ और वहाँ का सर्वे करो कि हालात का जायज़ा लेकर के आओ कि हुआ क्या है। हमने यहाँ से आकर के लोकल लोगों से बात की है और उनसे हमें यह मालूमात मिली है कि शोभा यात्रा का कोई मसला नहीं था। शोभा यात्रा 12 बजे से 3 बजे तक चली, कोई बदमनी नहीं हुई। फिर 3 बजे के बाद दोबारा शोभा यात्रा निकली, उस पर भी किसी तरह की बदमनी नहीं हुई। 5:30 बजे कुछ लोग आए हैं जो मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसका प्रूफ है, देखो ये भगवा झंडे पड़े हुए हैं कि वो झंडा लगाने की कोशिश कर रहे थे और ये पत्थर पड़े हुए हैं, ईंट पत्थराव। यहाँ से बदमनी जो है वो 5:30 बजे जब एक मोब अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, वहाँ से दोनों तरफ से पथराव हुआ है, वहाँ से ये बदमनी फैली है। और हम यही पैगाम लेकर के आए कि इस बदमनी को ख़त्म किया जाए, नफरतों को ख़त्म किया जाए, प्यार और मोहब्बत के साथ इस मुल्क में रहना है। जब भी हमें इस मुल्क से सच्ची वफादारी हमारी यही है कि हम प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। राजीव साहब, ये भी कहा जा रहा है कि अंसार, जिसे गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस ने, अंसार के साथ एक छोटे समूह की पहले बहस हुई और वो बहस इतना बड़ा रूप ले ली कि दो समूह के बीच लड़ाई में तब्दील हो गई, पत्थरबाजी हुई, सबके हाथों में हथियार थे। दूसरे पक्ष से भी हमने बात किया, इस पक्ष से भी, उस पक्ष का कहना है कि इधर के लोगों ने पथराव किया, यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेशी हैं, वो इस तरह की घटना में शामिल रहते हैं, यहाँ के पार्षद ने भी ऐसी ही बात बताई। तो आपको लगता है कि जो आपके पास जानकारी आई है वो पूरी तरह से सत्य है, या आप दिल्ली पुलिस से अपील करेंगे कि सच सामने आए? देखिए, हम सियासी बयान देने नहीं आते, सियासी लोग कौन क्या कह रहा है, हम तो हमने जो कहा एक प्यार का और मोहब्बत का पैगाम लेकर के अमन की अपील करने आए हैं दोनों पक्ष से, कि प्यार मोहब्बत से रहे। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगेगा। हमारी जो डीसीपी साहिबा से बात हुई, हमसे ये कहा गया है कि हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे और जो कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इल्ज़ाम तो सब तक लगता है। अब ये देखो, आपके सामने पत्थर पड़े हुए हैं, ये किसने फेंके मस्जिद में? मुसलमान तो पत्थर नहीं फेंकेगा मस्जिद में, ये भगवा झंडे जो है मुसलमान तो नहीं लगाएगा अपने आप। तो दोनों तरफ से कसूर, दोनों तरफ से होगा यकीनन, जो भी कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो किसी भी धर्म का हो, अलबत्ता जो बेकसूर है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और यही हमारे मुल्क की तहजीब है कि प्यार को, मोहब्बत को, नफरतों को ख़त्म करना होगा प्यार मोहब्बत के ज़रिए से, प्यार मोहब्बत का पैगाम आम देना होगा। हर एक मज़हब दूसरे के मज़हब का अदब करे, एक दूसरे इंसान को इंसान समझे, ना कि ये समझे कि दूसरे मज़हब का आदमी है। एक दूसरे के त्यौहार में भी खुशी में शरीक होना चाहिए। आज सब लोग, चाहे GH ब्लॉक की बात करें, C ब्लॉक जहां हम लोग मौजूद हैं, अपनी गलियों में कैद हैं, सड़कों पे। तो आप बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस ने 14 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस पर गोली चलाने वाला असलम नाम का आरोपी भी पकड़ा गया। हिंसा में 8 पुलिसकर्मी सहित 9 लोग हुए घायल। दिल्ली हिंसा के बाद यूपी में हाई अलर्ट। नोएडा में शोभा यात्रा के दौरान पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने बनाया नया प्लान। पश्चिमी यूक्रेन से सटे इलाकों में हमले किए तेज। 9 मई की जंग जीतने तक कोशिश जारी होती है।